गडकरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे दोनों मंत्री पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर यूनुस साहब और हमारे थानागाजी के हेम सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे दोनों सांसदगण, विधायकगण, अभी भी है। मैं मंत्री महोदय को पहले धन्यवाद आप लोगों की ओर से देना चाहती हूं, तो आप एक दफा जोर से ताली बजा के। मैंने मंत्री जी को यह कहा था, आप दौसा में जाओगे तो लोग आपको कंधे पर बिठा के बाहर ले जाएंगे, वो सोचो, और जोर जोर से ताली बजा के आपको ये कहेंगे, क्योंकि कोई मानने को तैयार ही नहीं होगा कि इतने सारे काम एक मंत्री एक साथ अनाउंस कर देता है, और सब लोग शायद हमसे ये कहेंगे कि ये इतने अच्छी तरह से हम लोगों के सामने ये बात बता रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये काम पूरा हम लोग कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब के सब आपके पूरे हो जाएंगे। और इसके साथ मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा राजमार्ग हमारा एक है जो संख्या 25 सिकंदरा से गंगापुर वाया गीजगढ़ और MDR 63, ये है विगास मोड़ से भुसावर वाया भैरावदा घूमना, ये भैरावदा आपका है, आपका और उसका कहाँ गया वो, हाँ भैरावदा है, ये आपका है। और मेरे पास अभी एक चिल्ला के कह रहे थे शंकर जी कि इसका क्या हुआ। अरे शंकर जी, बस्ती तुंगा लालसोट वैसे ही आ रहा है उसके बीच में, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है उसके लिए अंदर जोड़ने को, कम कर दोगे, और अगर बीच के छोटे रोड बचते हैं तो मैं उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूंगी कि दो दिन पहले अपना बजट पूरा हुआ है और बजट के अंदर बहुत सारी घोषणाएं हुई है, जिसके लिए मैं सालासर जी के यहाँ दर्शन करके आई, आप लोग सब यहाँ आए हो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इतना ही कहूंगी कि आने वाले समय के अंदर अभी 17 तारीख है, उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल है, अगर सब सही चलते हैं तो कुछ ना कुछ सभी को मिलेगा, और जो नहीं चलते हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये भी मैं आप पहले की बात को बता के जाना चाहती हूँ। क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर विकास करना है, मैं सबको कहती हूँ कि ये विकास 36 के 36 कौम और पूरे परिवार के लिए होने वाला है, ये कोई भी अवरुद्ध नहीं कर सकेगा, और मैं पहले से ही आप लोगों को कह रही हूं कि सब लोग मिलके एक परिवार के रूप में राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो सबके छोटे छोटे काम पूरे हो जाएंगे। मुझे मालूम है और आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि जब अपने को ये सरकार मिली थी तो कितनी जर्जराती हुई हालत में मिली थी, 80,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक कंपनी के ऊपर था, आज उस कंपनी का पूरा कर्ज भार हम लोगों ने सरकार के कंधे के ऊपर ले लिया है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे किसान लोगों के ऊपर हम ज्यादा भार नहीं डाल सकते हैं। 2 महीने सबसे बात करने के बाद ये तय हुआ कि जो भी भार बढ़ा के उनके कंधे पे डालना था वो सब पूरा वहन करेगी राजस्थान की सरकार। जो आपको 5 साल के अंदर उन्हें तय करा था उनको 3 साल के अंदर करते हुए, 1 नहीं 2 साल के अंदर 1 लाख और कनेक्शन देते हुए हम लोगों ने ये कोशिश की है कि बिजली के अंदर हमारे किसानों को कोई नुकसान नहीं हो। और इसके साथ हम लोगों ने ये भी कहा है कि पीने के पानी के लिए, और दौसा की मेरे को हमेशा चिंता रहती है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, मैंने इनको पहले भी कहा था कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 भी प्रोग्राम आप करोगे, मैं तो यहाँ आपके पास तब आना चाहती हूँ कि जब मेरे को मन में ये तय हो जाता है कि आज तक पानी आएगा। और मैं विश्वास ये दिलाना चाहती हूँ कि 4 साल के अंदर हम लोगों ने राजस्थान का चौमुखी विकास करने की कोशिश की, हम लोगों ने खाली वायदे नहीं किए, और वो भी चुनाव के टाइम में, आप लोग अच्छे से जानते हो कि जाति सरकार ने 10,000 वायदे करके और आराम से निकलती चली गई थी, उनमें से आप ये समझिए 67 पेयजल की योजनाएं थी जो उन्होंने घोषणा की थी, जिसमें से 32 पेयजल योजना को हमने पूरा किया है, 5 चल रहे हैं, 2000
लिए पैसे न होते भी हमने उसका इंतजाम करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और मैं ये विश्वास करती हूं कि अगर सबका समय आता है, अगर धीरे धीरे सब लोग चलते हैं और विश्वास सरकार के ऊपर करते हैं, तो छोटी छोटी बातों को सुलझाने का काम सरकार करेगी, और वो उन्हीं लोगों का पहले करेगी जो प्रेम से बात करके अपनी बात को मनवाने की आदत जानते हैं। और इसीलिए आज आपने देखा होगा हमारा और आपका बड़ा जोरदार प्रेम है, राजस्थान से गडकरी जी का प्रेम है। हम लोगों ने गडकरी जी के साथ काम किया है, हमारे पीडब्ल्यूडी ने गडकरी जी के साथ मिलके पूरे राजस्थान को नापा है, और इस प्रेम के साथ गडकरी जी ने आज हमारी बात को मानते हुए सालासर के अंदर दर्शन करते हुए, सीकर के अंदर मीटिंग करते हुए, और आप लोगों के बीच में आकर मीटिंग करते हुए, मैं समझती हूं कि करीबन 4-5 हजार करोड़, कितना यहां पर पूरे अपन 3-4 हजार किलोमीटर हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि करीबन 30 हजार करोड़ रुपया आप लोगों के ऊपर हंसते, अभी मैं उस पर नहीं आया हूं, अभी तो खाली ये 30,000, इस 30,000 का मैं हिसाब कर रही हूं जो हंसते और प्रेम में आपको दिया है। और इसके साथ साथ जब हम लोग सुबह निकले थे जयपुर से, तो वो रिंग रोड बिल्कुल आंखों में आ रहा था, आंखों की किरकिरी बन गया था। मैंने इनके साथ जाके हाथ जोड़ के कहा कि मेरे को तो इतनी मुसीबत हो रही है कि हम लोगों ने जो 2003-2004 के अंदर तय किया था कि ये रिंग रोड बनेगा तो वहां जयपुर के और आसपास के क्षेत्र के लोगों को आराम मिलेगा, वो आज हम नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने हमारी मदद की है, जमीन को भी हमने अधिग्रहण किया है, सब चीज तैयार है, परंतु हमारी कुछ चीजों की वजह से अभी हम लोग रोड के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। जो लोग ठेकेदार हैं, जो लोग बैंक के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, ये सब संकटों को आप सुलझाने की कोशिश करिए। और आज मैं खुशी से ये कह सकती हूं कि सुबह आप लोगों के बीच में जाने से पहले उनने हम लोग सबके साथ मीटिंग करके अपने नेशनल हाईवे के लोगों को बिठा के और उसको पूरा तय करके, और अभी मेरे को नेशनल हाईवे के लोगों ने भी ये बताया है कि इसके ऊपर भी मोटा मोटी तय हो गया है, हम लोग वापस जाएंगे, सबके दस्तक करवाएंगे, और मैं समझती हूं कि कुछ ही दिनों के अंदर हम इन चीजों को ले आगे ले जाने का काम करेंगे। तो ये रिंग रोड जिसकी वजह से आप ही सब दुखी हो रहे होंगे, क्योंकि जब भी कोई निकलता है वहां से वो देखता है इसको और सोचता है क्या होगा यहां, वो काम भी अपना पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज मैंने उस पर ध्यान दिया, मैं ये मानती हूं कि ईश्वर के आशीर्वाद के बिना किसी क्षेत्र में कुछ भी नहीं हो सकता है, मैंने बार बार आपके सामने ये कहा है। आज मैं आपको खुशी से यह बताना चाहती हूं कि वाराणसी के अंदर हमारा जो मंदिर है उसके ऊपर 1 करोड़ रुपया खर्च करके उसको ठीक करेंगे, और इसी तरीके से हमारा जो मंदिर है जयपुर मंदिर जो कहलाया जाता है वृंदावन के अंदर, वो उसके 100 वर्ष अब हो गए हैं, तो 50 लाख रुपए देके जब उत्सव मनेगा उसमें हम लोग सब शरीक होंगे। और बद्रीनाथ और तिरुपति के अंदर एक बहुत विशाल दोनों जगह पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको धर्मशाला बनाने जा रहे हैं, ताकि हमारे राजस्थान के लोग जब वहां जाएंगे तो वो आराम से उनके लिए कुछ रहने की व्यवस्था हो जाती है। उसके साथ साथ जो वृद्धावस्था में हम लोगों को दर्शन के लिए तीर्थ के लिए बाहर भेजते हैं, पहले तो हम 10,000 को भेज रहे थे, अब हमने ये तय कर लिया है कि 20,000 जाएंगे और उसमें से 5,000 को हम प्लेन से भेजने का काम करेंगे, ताकि हमारे भी बूढ़े बड़े लोग जो भी हैं वो भी जाके अपने दर्शन मंदिर में जाके अपने दर्शन कर सकेंगे और अपनी मनोकामना बहुत सालों से जो कह रहे हैं कि हम वहां जाना चाहते हैं वो उसको पूरा कर सकेंगे। मैं आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि गडकरी जी ने मेरे को कहा कि इतनी जोर से बारिश वहां हो रही है, इतना अंधड़ चल रहा है, तो वहां तो आपने को कोई नहीं मिलेगा। मैंने कहा अपन ने वादा किया है, और मैं आपको ये कह सकती हूं कि दौसा के लोग वहां आपको मिलेंगे। ये रोड का काम उनके लिए भी उतना ही जरूरी है और हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है, इसलिए आप चलेंगे। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप लोगों ने जुट के प्रेम दिखा के आज हम लोग सबके हाथ को मजबूत करने का काम किया। मैं सब लोगों को बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूं, और मैं गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी ओर से देना चाहती हूं कि इतना जोरदार काम तो कभी नहीं करते ही नहीं है, कभी नहीं करते। और आप भी यही सोच रहे होंगे, हमने भी यही पहले सोचा था कि जो कहते हो उनको वो कह देते हैं, तो हमारे लोगों ने ये कहा कि आप इनसे हाथ करा लेते हो परंतु ये जमीन पे आएगा कि नहीं आएगा,
और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक उन्होंने जो भी वादा किया है वो सब जमीन पे आया है, तो इसलिए मुझे विश्वास है कि आज भी उन्होंने जो वादा किया है उस वादे में कोई कमी नहीं होगी। और आपके इस क्षेत्र के आसपास के रोड अगर बढ़िया बन जाते हैं तो आप भी लोगों को बाहर से बुला के कह सकोगे कितनी सारी शादियां हो जाएंगी, समझो। ज्यादातर कौन जाएगा उस इलाके में, आप तो सरसराती हुई सड़कें हैं, सब लोग आएंगे, इंडस्ट्रीज भी लगेंगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी और इसका फायदा हमारे आपके क्षेत्र के अंदर नहीं पूरे राजस्थान को मिलेगा। आपने अभी 6 लेन का भी वो कर दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कितने सुबह से आपके पीछे सब लोग लगे हुए हैं और मुझे नहीं लगा था कि आप मानोगे, परंतु मान लिया और इतना सारा पैसा राजस्थान को आज दिन के दिया। साला सर भगवान का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद हम लोग सब पे रहा और मैं इसके लिए आप सबको क्योंकि आपने प्यार जताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।